तो ये पहला प्रश्न है शौनक आदि ऋषियों का। तत्र तत्रांजसायुष्मन् भवता यद विनिश्चितम् पुंसाम एकांततः श्रेय तन्नः संशितमर्हसि। इसकी थोड़ी आवृत्ति की जाए, इस पर हम थोड़ा ठहर कर चर्चा करेंगे। एक भक्त बोल सकते हैं प्रभु की तरफ से, आवृत्ति कीजिए, एक बार माता जी बोल सकती है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बोलिए, किसी पास नहीं बोलने के लिए श्लोक। माताओं की तरफ से बोलिए, तत्र तत्रांजसायुष्मन् भवता यद् विनिश्चितम् ठीक है। तत्र तत्र मतलब वहां वहां, वहां वहां का मतलब जिन जिन शास्त्रों को आपने सब पढ़ा है। अंजसा मतलब आसानी से समझ में आ जाए। आयुष्मान मतलब होता है, जैसे आप लोगों ने यहां पे सुना होगा आयुष्मान भव, सुना, मतलब लंबी आयु को। अब इसका अर्थ क्या है, मतलब ये दिखा रहे हैं कि आपको, आप दीर्घायु हैं इसलिए आपने इन शास्त्रों को खूब बढ़िया से समझा है। ऐसा नहीं कि आप कम आयु वाले थे, अभी बच्चे हैं, आपको पता नहीं है, परिपक्व हैं आप, आपने शास्त्रों को बढ़िया से पढ़ लिया है, इसके अच्छे से आपने अध्ययन किया है, ख्यान किया है। यह शब्द आयुष्मान से, यह भावना या यह भाव आयुष्मान से सूचित हो रहा है। क्या हो रहा है कि सूत गोस्वामी जी दीर्घायु को प्राप्त है, खूब बढ़िया से अच्छे से मतलब समझ लिए इस बात। ठीक, अब वो कह रहे हैं भवता यद विनिश्चितम, आपके द्वारा जो निश्चित किया गया है, क्या पुंसाम एकांततः श्रेयस, एकांतिक श्रेय सभी इंसानों के लिए। श्रेय की प्राप्ति जानवर लोग नहीं कर सकते हैं। अब आपके मन में आएगा कि श्रेय क्या होता है, उसको हम समझाएंगे। तन्नह संशितम अर्हसि, उसको नह हमको आप बताइए। शंस मतलब होता है प्रशंसा, सुना है आपने बोलना, शंस मतलब आप हमको बताइए। अब आप देखिए इसका अर्थ क्या है कि आपने, हमने बताया ही आपको ऑलरेडी कि आयुष्मान शब्द का अर्थ है कि काफी लंबे समय तक आपने पुराणों को पढ़ाया तो सार समझ में आ गया होगा। अब श्रेय का अर्थ क्या है, जिसे समझ लेना चाहिए। देखिए, श्रेय का अर्थ होता है आगे मेरे लिए वह चीज बहुत कल्याणकारी हो, इसलिए इस समय मैं कोई तपस्या करूंगा। जैसे हम अपने बच्चों को, हम का मतलब आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, क्यों भेजते हैं, आगे अच्छा लगे, अच्छा हो जाए। अब बच्चों को क्या पढ़ना अच्छा लगता है, नहीं। हमारे दो भक्त यहाँ पे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके जीवन में ये कुछ श्रेय है ना कि भाई ये आगे जाके बहुत लाभ होगा। क्या आप लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी करते समय बड़े आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, रोमांच कम प्राशु तरंग भाजो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। तो तकलीफ को झेल रहे हैं ताकि आगे जाकर के आप कुछ श्रेय प्राप्ति कर सके। वैसे ये श्रेय नहीं है, लेकिन एक समझाने के लिए बोल रहा हूं कि इस जीवन में हम आगे कुछ लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। वैसे सोचना चाहिए कि हम थोड़ा आगे सोचें, तो आगे के बाद एक जगह स्टॉप आएगा ना, वो स्टॉप क्या है, मृत्यु। मैंने बताया 20 साल बाद मेरा ये फायदा होगा, 30 साल बाद ये फायदा होगा, 40 साल बाद ये होगा, 50 साल के बाद और 60 के बाद और 80 के बाद, तो उसके बाद भी तो कुछ सोचना चाहिए ना भाई, कि खाली 20 से 30 साल के बारे में सोचोगे, एक सोचने वाली बात है। तो यहां पे खैर श्रेय की बात ये कह रहे हैं कि उनका एकांतिक श्रेय हो जाए, मतलब उनका सर्वथा सबसे बड़ा कल्याण हो जाए, वह बताइए। क्या प्रश्न है, सबसे
परम कल्याण हो जाए, परम श्रेष्ठ साध्य वस्तु क्या है यह बताइए। ठीक। और अंजसा से भी अर्थ लेना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बड़ा मुश्किल हो। मैं कहूं कि जैसे हमारे राम प्रभु को तेरी बीमारी है, कफ का प्रॉब्लम है, कहूं प्रभु जी बहुत अच्छी दवा है, कफ ठीक हो जाएगा लेकिन हिमालय जाके लानी पड़ेगी। अरे हिमालय जाके, अरे भाई हम तो झेल यही दुख झेल लेंगे, हिमालय कौन जाएगा। तो यानी कि सर्वश्रेष्ठ साध्य बताइए और अंजसा ऐसा साधन बताइए जो आसानी से हो, लेकिन साध्य की प्राप्ति कराए ही। ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है जैसे कई कई बार होता है, देख लो करके भाई ये दवा ट्राई कर लो, लगेगा नहीं लगेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्लीज इन बातों को ध्यान रखिए। तीन बातें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, सर्वश्रेष्ठ साध्य जीवन का लक्ष्य, दूसरा ऐसा साधन जो आसानी से हो और सर्वश्रेष्ठ हो और वह उसको प्राप्त कराए ही। और इसको आप लोग बड़ा स्पष्ट जानते हो कौन सा साधन है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, कैसे भी बोला जाए ये लाभ को सिद्धि देता ही है। भगवान की कथा कैसे भी सुनी जाए, जैसे आप लोग परेशान भी हो रहे हो फिर भी बैठे रहने मात्र से प्रगति होती। मान लीजिए परेशान हो रहे हो तो, मान लीजिए, ऐसे मुझे लगता नहीं कि परेशान हो रहे हैं, लेकिन कदाचित तो ये भागवत श्रवण और हरि नाम संकीर्तन यह एकदम क्या कह सकते हैं उसको, मतलब हाँ रामबाण तो है, मैं कुछ शब्द यूज करना चाहता, अचूक साधन है। और हरे कृष्ण मंत्र बोलने में कोई कठिनाई होती है? तो सारे कितने लोग 16 वाला कर रहे हैं यहाँ पे, एक दो, अरे काफी लोग हैं। जैसे अगर कठिनाई नहीं होती तो 16 क्यों नहीं हो रही है सबकी? सोचिए हम लोग कितने कितनी हालत खराब है हमारी, बताइए, है ना। अभी बोल देते सब लोग को शीर्षासन लगाना है रोज 2 घंटा, कितना कठिन होता है। 16 माला करने के लिए बोला जा रहा 2 घंटा जब, इसका दिखाता है कि हमारी कोई इच्छा ही नहीं है प्रगति करने की। खैर मैं इतना कठोर नहीं हो सकता हूँ, 4 माला 8 माला कर रहा है तो भी फायदा कर रहा है उसको। खैर चलिए वापस, कठोर नहीं होना है, वापस भागवत। तो हमने प्रश्न में क्या सीखा है, ये सब एग्जाम में पूछा जाएगा। एग्जाम, या एग्जाम भी होता है क्या? हाँ एग्जाम भी होगा, चैप्टर पढ़ाने के बाद एग्जाम लिया जाएगा। और केवल आपसे इस एग्जाम में आपसे उत्तर नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कि 6 प्रश्न क्या है। ठीक है, अगर आप 6 प्रश्न, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज जब भी आते हैं तो भाई 6 प्रश्न क्या है। और सारे ब्रह्मचारी फूस। तो अब मैंने कहा, अब मैंने दृढ़ संकल्प ले लिया कि सिखा के ही मानूंगा, गृहस्थ भक्तों को भी याद रहेगा कि 6 प्रश्न क्या है। और बहुत महत्वपूर्ण है, जब आप प्रश्न समझेंगे तो उसका लॉजिक समझ में आता है कि बात क्या हो रही है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या बात हो रही। ठीक है, तो क्या प्रश्न है? एकांतिक श्रेय क्या है? एकांतिक श्रेय मतलब सर्वश्रेष्ठ साध्य वस्तु क्या है और उसको प्राप्त कराने वाला अव्यभिचारी साधन जो प्राप्त कराए ही वह, और वह बड़ा आसान होना चाहिए, यह हमको बताइए। ठीक है, ओके। और इसका आधार क्या है? शास्त्रों में होना चाहिए, अपने मन से मनगढ़ंत तरीके से नहीं बताइए। वो पहले बोल चुके हैं कि सारे शास्त्र अपने पढ़ लिए, उसके अनुसार बताइए कि सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है। अच्छा ठीक है, इस समय चर्चा कर लिया। अब शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बड़ा सुंदर टीका करते हैं। वो कहते हैं, मान लीजिए सूत गोस्वामी कहें कि आप बोल रहे हो कि मैंने सब कुछ पढ़ा है तो मैं सब कुछ बोलता हूं। आपने एक बोला कि भाई आप मैं आप सब कुछ पढ़े लिखे हो तो ठीक है, मैं एक तरफ से बोलना चालू करता हूं सब कुछ। तो कहते हैं, नहीं नहीं, हमें शास्त्रों का कंक्लूजन बताइए। और उसके बाद वो कहते हैं, थोड़ा बड़ा श्रेय पे बड़ी टीका करते हैं, थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनिए। वो एकांतिक श्रेय पे बोलते हैं कि वह श्रेय से श्रेष्ठ कुछ ना हो, एक गुण उसके समान कुछ ना हो, और वह श्रेय किसी दूसरे श्रेय के अंतर्गत ना आता हो, यह एकांतिक श्रेय का वर्णन करते हैं। ये थोड़ा सा समझने वाला है। एकांतिक श्रेय मतलब उस श्रेय से, उस साध्य से श्रेष्ठ कुछ, साध्य समझते हैं लक्ष्य, उससे उसके बाद कुछ बाकी ना रहे प्राप्त करने के, तो उससे श्रेष्ठ कुछ ना हो, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट है कि उसके बराबर कोई ना हो, और तीसरा है कि वह किसी और साध्य के अंतर्गत ना हो। जैसे देखिए, अगर आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं और कदाचित स्वर्ग जाने की इच्छा है तो स्वर्ग भी प्राप्ति हो जाती है,
तो स्वर्ग एक अगर मान लीजिए आप उसको श्रेय मानते हैं जो कि है नहीं, तो यह भक्ति के अंतर्गत हो गया। अगर आप मुक्ति चाहते हो तो वह भक्ति के अंतर्गत आ जाती है। अगर आप योग सिद्धि चाहते हो तो वह भी प्राप्त हो जाती है और होगी भी। भगवत प्रेम प्राप्त होने से पहले दिव्य ज्ञान आएगा, फिर योगिक सिद्धियां आएंगी और फिर भगवत प्रेम प्राप्ति होगी। इसका वर्णन हम आगे सुनेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अर्थात अच्छा, अब अगर आपको स्वर्ग प्राप्ति हो गई तो भगवत प्रेम मिलेगा? अब उल्टा देखिए आप, जो लोग स्वर्ग प्राप्ति के प्रयास कर रहे हैं उन्हें भगवत प्रेम नहीं मिलेगा। अच्छा, जो लोग मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं उन्हें, और जो लोग सिद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं, आप समझ में आया? योगिक सिद्धि में भगवत प्रेम सम्मिलित नहीं है, लेकिन भगवत प्रेम में बाकी सब कुछ अवेलेबल। तो बहुत स्पेशल ये एकांतिक श्रेय के बारे में वर्णन किया। तो यानी असली ये थोड़ा धैर्य से भक्ति करना चाहिए। इतना बड़ा श्रेय है तो क्या दो दिन में मिल जाएगा? क्यों भाई, है ना, थोड़ा तो धैर्य रखना पड़ेगा ना। प्रभु जी मैं 6 महीने से भजन कर रहा हूं, भगवान ने दर्शन क्यों नहीं दिए? क्या बोला जाए बताइए? इतना बड़ा श्रेय है जो मुक्ति से भी श्रेष्ठ है, भगवत प्रेम, क्या दो दिन में मिल जाएगा? तो इसलिए आप समझ पाए एकांतिक श्रेय का, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये बात अच्छे से समझ लीजिए। अब आप लोग बताइए, एकांतिक श्रेय के हमने दो लक्षण बताए थे, दो बार बताया था। श्रीधर स्वामी जी कैसे समझाते हैं इसको? नहीं नहीं, ये तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी ने समझाया। श्रीधर स्वामी जी क्या बता रहे थे? परम साध्य, उसको प्राप्त कराने वाला परम साधन जो बड़ी आसानी से किया जा सके और वह उस लक्ष्य को प्राप्त कराए ही, ये सिखाया था एकांतिक श्रेय। और दूसरा बताया था, श्रेय का अर्थ है कि उसे श्रेष्ठ कुछ ना हो, उसके बराबर कोई ना हो और वह किसी और में सम्मिलित है। ठीक है, ओके। श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर बात यहां पे लिखते हैं और वो कहते हैं कि जब आध्यात्मिक कल्याण होता है तो भौतिक कल्याण अपने आप होता है। और यही बात मैं आपको अभी समझा रहा था कि अगर आप भक्ति करते हैं तो भौतिक सब कुछ अपने आप प्राप्त होता है। और इस बात को आगे दूसरे अध्याय में खूब अच्छे से बताया जाएगा कि भैया अगर आप धर्म कर रहे हो तो अर्थ अपने आप प्राप्त हो जाएगा। अर्थ उसके समझाते हैं, अर्थ को टीवी में और घर परिवार में ही लगाना, धर्म में मत लगाना, ये सिखाएंगे क्या? नहीं। और उस क्लास में आप लोग मत आना, आप लोग डर जाओगे सुनकर। आपका ये कहने का क्या तरीका है? जैसे YouTube में बोलते हैं ना वो लोग, कमजोर दिल वाले मत सुनना इसको। ऐसे हम भी बोलने वाले, बहुत कठोर श्लोक है वो। जीवन का उद्देश्य क्या? खैर अभी उसको अभी हम बताएंगे नहीं, आगे जब पढ़ाएंगे तो बहुत सबसे ब्यूटीफुल चैप्टर है दूसरा अध्याय, बहुत अच्छा। क्यों जीना चाहिए सब बताया जाएगा। खैर उसकी हम चर्चा आगे करेंगे। पॉइंट यह है कि अगर आप धर्म कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो भौतिक सुख सुविधा आपके पास आएगी अपने आप। तो और साथ साथ आप भक्ति में भी प्रगति करोगे। इस जगत को डिजाइन ऐसे किया गया है। तो ये बात प्रभुपाद बता रहे हैं इसमें कि आध्यात्मिक कल्याण में अपने जीवन को लगाना चाहिए। और इसके लिए लोग चिंतित रहते हैं, हम लोग नहीं चिंतित रहते हैं। बताइए, हम लोग कभी चिंतित किए कि हमारा जीवन बीता जा रहा है, मानव जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा है? नहीं किया। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी ऐसे जीवन जी रहा था। IIT में जाना है, ये करना है, MIT में जाना है, और उसके करके मर जाता मैं इसी प्रकार से। तो लोग समझ ही नहीं रहे कि जीवन का उद्देश्य कुछ होना चाहिए। तो ऋषि मुनि बड़े चिंतित हैं, ठीक है। और उनकी चिंता में एक और बात है, अंजसा शब्द। वो जान रहे हैं कि हम लोग तो भले ही ऋषि मुनि होकर भजन कर लें, लेकिन बाहर वाले लोगों के लिए तो भागवत क्लास में आना बड़ा मुश्किल है, जप करना मुश्किल है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि ऐसी चीज बताइए, ऐसा साधन बताइए कि बड़ी आसानी से लोग जो है स्वीकार करके परम श्रेय की प्राप्ति कर लें। अच्छा, हमारे ऋषि मुनि से हमारा क्या संबंध है? समझ रहे ना? और हमारी कोई योग्यता भी नहीं है। तो ये दिखाता है कि ऋषि मुनियों की हम पर अहेतुक निरुपाधिक करुणा है, उस कारण से हमारे कल्याण के बारे में पूछ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पहले प्रश्न को आत्मसात कर लिया होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कलयुग है। और अगला श्लोक उसी पे ही है, तो इसलिए हम थोड़ा बता देते हैं क्या है प्रश्न। परम साध्य क्या है, उसको प्राप्त कराने वाला सबसे अच्छा साधन क्या है? सबसे अच्छा नहीं, निश्चित साधन क्या है जो आसानी से संपन्न किया जा सके? और वह श्रेय कैसा होना चाहिए? वह उसके बराबर कुछ ना हो, उसे श्रेष्ठ कुछ ना हो और वह किसी और में सम्मिलित ना हो। इसको बोलते हैं कि बाद में इस भागवत में बताया जाएगा कि वह श्रेय क्या है। श्री भगवान कृष्ण में भक्ति, प्रेम भक्ति।
ठीक है, क्योंकि ब्रह्म परमात्मा भगवान में भगवान ही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप हैं। कोई प्रश्न है यहां तक? ये इस श्लोक के संबंध में या इस प्रश्न के संबंध में कोई प्रश्न है? ठीक है, ओके। हाँ प्रभु, अविधेय प्रयोजन जो होता है वो इसी से रिलेटेड? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, संबंध अविधेय प्रयोजन जो शास्त्र में वर्णन होता है वो इसी संबंध में होता है। जीवन का सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन क्या है, यह इस श्लोक में पूछा गया है। अब मान लीजिए सूत गोस्वामी जी प्रश्न करें कि भाई अंजसा करने की क्या जरूरत है, आसान साधन बताने की क्या जरूरत है, तो उसका वर्णन वह है अगले श्लोक में कर रहे हैं। अभी तुम्हारे पास बहुत समय है, अभी तो सत्र हमारा समाप्त नहीं हुआ है, आप में से कोई बेहोश भी तो नहीं हुआ है। आप लोग को याद है ना कि तीसरे हमने श्लोक में पढ़ा था भागवत, तब तक पढ़ी जब तक आप बेहोश ना हो जाए, तो इसलिए हम लोग अब नेक्स्ट श्लोक पे देखते हैं। यहां तक कुछ डाउट है पूछना है? ठीक है, जरूर अपने नोट्स में या कहीं मार्क कर लीजिएगा कि 1.1.9 इज द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला प्रश्न है। ठीक है, और कभी वृंदावन चंद महाराज यहाँ पे आए तो आप लोग को तर 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 बता देना महाराज जी छह, यहाँ बोर्ड पे लिख देंगे छह प्रश्न ये हैं। अरे तो बच्चों को सब पता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस श्लोक में दसवें श्लोक में बताया जाएगा कि कलयुग के लोग कितने महान हैं, कितने दिव्य गुणों से युक्त हैं, तो उसको समझ करके हम लोग को सोच लेना चाहिए कि और कोई योग पद्धति हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते। जीव गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग में नम्र होना कोई मुश्किल बात नहीं है। कहते हैं कलयुग में नम्र, अब कलयुग में भी अगर हम अहंकारी हैं तो बड़ा गड़बड़ है। क्योंकि अभी आप देखने वाले हो ये हम सभी के कॉमन गुण हैं, ऐसा नहीं कि मैं आप पे बोल रहा हूं या कोई, सबके कॉमन गुण है। कॉमन मतलब सामान्य गुण ये है, तो हम भक्तों का सॉरी समझ कीजिएगा कलयुग के लोगों का गुणानुवाद करने वाले हैं, हम नहीं शौनक आदि ऋषि करने वाले हैं। तो जरा इसको देखिए, प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मन्दाः सुमन्दमतयो मन्दभाग्या हि उपद्रुताः। गुण तो मेरे ख्याल से आप लोगों को श्लोक सुनकर के ही समझ में आ गया होगा। तो श्लोक के शब्दों को देखिए, लिखा है प्रायेण अल्प आयुषः, प्राय इस कलयुग में लोग बड़ी लंबी आयु के होते, इसीलिए शास्त्र सामने रखा गया है कि हम कुछ ना बोल दें। लिखा है अल्प आयु, एकदम हिंदी है बिल्कुल, भागवत के श्लोक तो बिल्कुल हिंदी से चल रहे हैं। प्राय लोग जो है अल्प आयु वाले होते हैं। अरे साहब बहुत जी लिए, कितना 70 साल पहुंच गए, बहुत हो गया, सुनने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई वृद्ध होके मरे कितना, 60 साल में मरे, 70 साल में मरे, ये स्थिति आ गई। आगे कलयुग में 35 साल उम्र हो जाएगी, ठीक है, एकदम कीड़े की तरह होते हैं। दूसरा गुण है कलयुग के लोगों का सभ्य, ये सभ्य कलयुग के लोगों के लिए नहीं है, ये सूत गोस्वामी जी के लिए बोला जा रहा है। हे सभ्य, हे सूत गोस्वामी, आपके लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है क्या? भाई सभ्य हमारे लिए, एक गुण तो बोला जा रहा है ना, कोई सभ्यता नहीं है। खैर लेकिन ये सभ्य शब्द जो है ये सूत गोस्वामी के लिए है कि हे सभ्य, हे सूत गोस्वामी, इस कलयुग में लोग प्राय अल्पायुष रहते हैं, उनकी उम्र बहुत कम होती। हाँ, कलौ अस्मिन् युगे जनाः, अस्मिन कलव इस कलयुग में जनाह मतलब प्राय लोग बहुत कम आयु के होते हैं, और उसके बाद भी उनके क्या गुण होते हैं, मंदाह। मंद मतलब मैं समझ में नहीं आता क्या बोला जा रहा है। एक बार मैं भक्ति विश की एक इंट्रोडक्टरी क्लास कर रहा था और जिनके घर में कार्यक्रम हो रहा था वो स्कूल के प्रिंसिपल थे, और आप जानते हो कि पहले अध्याय में हम क्या पढ़ाते हैं, मानव और पशु में क्या अंतर होता है। बाद में मैंने से पूछा भाई आपको क्या समझ में आया, बताओ मानव जीवन में और पशु जीवन में क्या अंतर होता है। भाई मुझसे मत पूछो, मुझसे मत पूछो, ऐसे वो MSc है, PhD है, सारा कुछ, खाली ये पूछना था कि भाई ना जानते हो आहार निद्रा भय मैथुन जानवर भी करता है इंसान भी करता है। मैंने उसे खाली ये पूछा क्या समझ में आया, नहीं तो मुझसे सार जी थे, मुझसे मत पूछो, मुझसे मत पूछो, इतना परेशानी हो रही थी। तो ऐसे तथाकथित रूप से वो भौतिक बहुत योग्यता से युक्त हैं लेकिन आध्यात्मिकता में पूरी तरह से मंद है। वैसे भौतिक रूप से बच्चों को कितना ट्यूशन पढ़ाना पड़ता है ना, फिर भी फेल हो जाते हैं आजकल लोग,
यह भी एक दुर्गुण है। इवन IIT में जब हम लोग थे तो कह रहे थे कि प्रोफेसर बता रहे थे कि एक समय ऐसा था कि हम लोग बड़ा सोचते थे कि क्या प्रश्न बच्चों के लिए रखें जो आउट ऑफ कोर्स ना हो और उनको आसान ना लगे, ये स्थिति थी। और अब हम लोग कुछ भी सिंपल सिंपल कोर्स का प्रश्न करते हैं और बच्चे फेल होते हैं IIT में। क्यों? क्योंकि इंद्रियां संयम करने की शक्ति खो दी है, इसलिए भी और मंद हो जा रहा है। ये ध्यान रखिएगा, जितना हम इंद्रिय भोग करते हैं उतना ही हमारी सोचने की क्षमता समाप्त होती चली जाती है। और ये बड़ी दिक्कत है, क्योंकि आप भक्त बनने लगते हो तो आप सोचना चालू करते हैं और आपके परिवार वाले कुछ सोचना नहीं चाहते, और अद्भुत बात है कि वो ये भी नहीं चाहते कि आप भी कुछ सोचो, है ना? घोड़ा होता ना ऐसे ऐसे देखते, घोड़े की तरह चलते जाओ, इधर एक ब्लैंडर लगाओ इधर लगाओ और ना लेफ्ट देखो ना राइट देखो, ये चाहते हैं। और ये बड़ी दिक्कत है कि कृष्ण भावना में जिनका आप संग करते हैं वह सब विचारशील होते हैं। तो मंदहा मतलब महाबुद्धू, और सुमंद मत यह मतलब उनकी जो बुद्धि है, मंदा का मतलब यहां पे है आलसी, और सुमंद मत यह मतलब उनकी बुद्धि बहुत बहुत कम है, समझ में कुछ नहीं आता। और मंद भाग्य मतलब उनको ऐसा भाग्य भी प्राप्त नहीं है कि शुद्ध भक्तों का, भगवत भक्तों का संग प्राप्त हो। हम जरा सीधे स्वामी जी की बात नहीं लेते हैं, बहुत सुंदर टीका लिखते हो। हाँ चलिए पहले शब्दों का अर्थ लेते हैं, उसके बाद मंद भाग्य का अर्थ है उन्हें भक्तों का संग प्राप्त नहीं। और ही उपद्रता मतलब रोग लगे रहते हैं, अगर मालूम भक्तों का संग प्राप्त हो भी जाए तो टाइफाइड हो गया, बुखार हो गया, घर में ये बीमारी हो गई वो हो गया, तो व्यक्ति भजन भक्ति कर नहीं पा रहा है इस प्रकार से। तो वे बेचारे लंबे समय तक साधन ढूंढते रहेंगे, ये अच्छा नहीं होगा, इसलिए ये प्रश्न कर रहे हैं कि आसानी से बताइए। अब वो कहते हैं अन्येपि बहुना कालेना, मतलब कह रहे हैं कि बहुत सारे शास्त्र हैं और उनको सुनने में बहुत समय लगेगा, तो फिर श्रेय क्या है उसको हम समझ नहीं पाएंगे, निश्चय करना संभव नहीं है। इसलिए वो बोल रहे हैं कि कलयुग में लोगों की आयु कम है, इसलिए आप फटाफट बता दीजिए कि क्या करना है, ठीक है? तो वो बातें हमने आपको शब्दों का अर्थ बता दिया है। अब हम लोग श्रील विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी की बात को सुनते हैं। एक्चुअली श्रीधर स्वामी जी की जो टीका है वो प्राय श्लोक के अर्थ जैसी ही होती है, तो अगर उसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोलते तो मैं उसको नहीं ले रहा हूं, जो हमने शब्द के अर्थ समझा दिए उसमें अलग वो और कुछ बोलेंगे तो हम उसको लेंगे। अब वो बड़ा इंटरेस्टिंग कहते हैं, मान लीजिए सूत गोस्वामी कहते हैं कि आप कह रहे हो कि शास्त्र मैंने सब पढ़े हैं तो मैं सब कुछ बताता हूं आपको, तो वो कहते हैं नहीं, आप वो बताइए जो आपने निश्चित कर लिया सबसे अच्छा जो है। और उसके बाद वह कलयुग के लोगों का गुणगान करते हैं, कहते हैं कि कलयुग के लोग बड़े आध्यात्मिक विषयों को सुनने के प्रति बड़े ही आलसी होते हैं। ये है मंद शब्द समझा रहे हैं, है ना? और अगर वो सुनना भी चाहते हैं तो केवल दिखावे के लिए, क्या वह कथा रसमय होगी, क्या उस कथा में हारमोनियम बजेगा। महाराज जी एक बार बोले थे, कह रहे थे, कुछ लोग कंप्लेन कर रहे हैं, कह रहे भाई रुक्मणी का विवाह क्यों नहीं हुआ अब तक। तो कह भाई ऐसी कथा तो हम नहीं सुना सकते, है ना? महाराज बड़ा जोक मार रहे थे, कह रहे थे कि भाई MSc की केमिस्ट्री क्लास हो रही हो, कहो कि भाई जब तक तबला नहीं बजेगा तब तक हम सीखेंगे नहीं। तो भागवत इतना बड़ा शास्त्र है, इतना विज्ञान, उसमें तबला हारमोनियम क्या मतलब हुआ, यह तो केवल नौटंकी है। तो लोग तभी सुनने जाते हैं जब कुछ कथा, मतलब कथा में थोड़ा म्यूजिकल हो। महाराज बहुत जोक कर रहे थे कि अगर मान लीजिए अब सुखदेव गोस्वामी आएंगे कथा बोलने के लिए तो परिषद महाराज जी तब तक नहीं बैठेंगे जब तक है हारमोनियम लेके ना बजाए। हारमोनियम बजा बजा के कथा नहीं हो तो परिषद महाराज नहीं बैठेंगे। कहने का अर्थ है कि लोग केवल सुनने का ढोंग करते हैं, उनकी विषय वस्तु में कोई रुचि नहीं होती, तो आलसी हैं। दूसरा वो कहते हैं कि मान लीजिए वह आलसी ना भी हो तो वह बुद्धिमान नहीं होते, ये है सुमंद मत यह। और मान लीजिए कोई, इनका स्टाइल है बोलने का, और उसके बाद मान लीजिए कोई बुद्धिमान हो, मान लीजिए बुद्धि हो भी तो उसे भगवान के भक्तों का संग प्राप्त नहीं है। दुनिया में कितने सारे बुद्धिमान लोग हैं भी, लेकिन वो अपनी अपनी धारणा लेकर चलते हैं, क्योंकि भगवान के भक्तों से सुना नहीं रहता है। भगवान के भक्त क्या सिखाते हैं कि हमें कौन से कर्म करना चाहिए, भगवान की भक्ति कैसे करना चाहिए वो सिखाते हैं, तो वह उनको पता नहीं है। ये क्या है, क्यों कारण है, मंद भाग्य। इसीलिए ब्रह्मांड भ्रमीते कोनो भाग्यवान जीव,
गुरु कृष्ण प्रसाद बाय भक्ति लता बीज। ये बात कभी आप विचार करेंगे ना, जब आप विदेशों में कभी जाएं प्रचार करने के लिए, भगवान करे सब लोग जाएं, 20-25 हज़ार रुपए लगता है, कोई बहुत महंगा नहीं है, प्रचार के लिए भेज सकते हैं। अरे माता जी लोग कुकिंग सिखाने के लिए जा सकते हैं, मेरी तो बड़ी इच्छा थी कि माता जी को भेज देते हैं, वाली सिखा दें भाई इंडियन कुकिंग कैसे होता है, तो अगली बार हमें सही पकौड़े खाने को मिलेंगे, कुछ भी बनता है वहां पे। तो खैर मैं खाली बोल रहा हूं कि तब आपको दिखाई पड़ेगा कि लोग बिल्कुल ने कुछ पता नहीं है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, और हमें विदेश जाने की जरूरत भी नहीं है। अपने मोहल्ले में पूछ लेना भाई आप कौन हो, भगवान कौन है, भगवान से हमारा क्या संबंध है, कुछ किसी को पता नहीं है। क्यों नहीं पता है? दुर्भाग्य है, भक्तों का संगी प्राप्त नहीं है, कभी सुनने को नहीं मिला। तो ये बुद्धि हो भी तो लोग मंद भागे हैं, प्रभुपाद इस बात को बोल रहे हैं, विभिन्न प्रकार के दलों में फंस करके वह उनकी शक्ति को उस दिशा में लगा देते हैं। राजस्थान में एक व्यक्ति थे मेरे पास आए, जयपुर के हैं, कह रहे मैंने एक व्यक्ति के लिए इतना काम किया, सुबह 6 बजे से लेकर के शाम अगले दिन 3 बजे तक काम किया, अब उस व्यक्ति ने मुझे बिल्कुल बाहर निकाल दिया। हमने कहा बहुत अच्छा हुआ क्योंकि आपको समझ में आ गया कि भले देर में समझ में आया कि ऐसे लोगों के पीछे सेवा करने का कोई फायदा नहीं, आप तो ठाकुर जी की सेवा करो, लेकिन नहीं समझ में आता लोग। तो खैर भक्तों का संग प्राप्त नहीं होता है। आज रात में आप लोग एक बार अंधकार मतलब रात्रि में जाके देखिएगा चांद तारों, चांद और तारों को देखिएगा, और ये जानिएगा कि सारे ग्रह हैं और उन हर ग्रह पे भागवत नहीं है, और हम लोगों को मिल रही है पढ़ने सुनने के लिए, वो भी परंपरा में, कितना बड़ा भाग्य है हमारा, उसको नहीं गिनना बड़ा दुर्भाग्य होगा हमारा, बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं मान लीजिए किसी को भक्त का संग प्राप्त भी है लेकिन परेशानी बहुत है, बीमारी बहुत है, इसको तो सब लोग जानते ही हैं। अच्छा ऐसा कोई व्यक्ति है रोज दवा खाता हो एक दिन में? मैं तो अपना हाथ खड़ा करूंगा, एक दो काफी, यस। तो देख लीजिए हाँ प्रमाणिक है कि रोज हम एक दिन में एक बार दवा जरूर खा रहे हैं, तो ये भी दिखा रहा है कि हम लोग जो है उपद्रुत बीमार भी हैं। ठीक है, तो बीमारी के कारण, गर्मी के कारण, परेशानी के कारण वह भगवान के बारे में भक्तों से सुनने का मौका नहीं निकाल पाता। अब उसमें वो और बड़ी मजेदार बात कहते हैं, अभी तक तो बोल रहे हैं कि भाई मान लो ये गुण हो ये ना हो, ये गुण हो ये ना हो, लेकिन कहते हैं इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि वो आलसी भी है, वो बुद्धू भी है, और मंदभागा भी है, और उपद्रुता भी है, मतलब बीमार भी रहता, ये सारी बीमारी भी है। तो इस प्रकार से कलयुग के लोगों का गुणों का वर्णन कर करके उन्हें समझा दिया कि भाई ऐसी बात बताओ कि इनकी मंद बुद्धि, हम सब मंद बुद्धियों को आसानी से समझ में आ जाए। मैं फिर से चैलेंज दे रहा हूं कि 6 प्रश्न याद हो जाएं तो हम प्रूव कर देंगे कि हम कलयुग के नहीं हैं अगर वह भी याद हो जाएं तो बड़ा मुश्किल है। मेरे पास अभी भी 15 मिनट का लाइसेंस है, तो मैं सोच रहा हूं कि एक श्लोक और कर दिया जाए। मेरी घड़ी में 6:14 हो रहा है, ये घड़ी फास्ट है, और इसके द्वारा हम लोग दूसरे शब्द दूसरे प्रश्न को देखेंगे। कम से कम 2 प्रश्न तो हो जाने चाहिए, उसके बाद बाकी 4 प्रश्न देखते हैं, हम आगे करते हैं। ठीक है, या आप लोग थक गए? 3 मिनट फास्ट है, देखिए अभी भी परेशानी चालू हो गई। तो हम लोग एक श्लोक और देख लेते हैं, देख सकते हैं? ठीक है, प्रभु जी हमारे आके अधिष्ठाता व्यक्ति हैं, तो प्रभु जी ने हमको अलाउ किया है, तो इसलिए हम एक प्रश्न और एक कर सकते हैं। कोई प्रश्न है किसी का? यस प्रभु। प्रभु जी आपने चैतन्य चरितमृत में से जल मिल सकता है मेरे को? हाँ, आपने चैतन्य चरितमृत में से जो पंक्ति बोली थी तो रिपीट कर दीजिए, उसका वो एड्रेस बता दीजिए। हाँ, ब्रह्म और श्लोक नंबर तो याद नहीं है, मैं भेज दूंगा आपके पास। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते कोई बहुत भाग्यवान व्यक्ति, ऊपर मत रखिए डिस्टर्ब होगा, तो उसको किसी तरह भक्ति लता बीज मिलेगा। भक्ति लता बीज मतलब भक्ति करने के तरीके, जैसे भक्तों बताते हैं हरि नाम जप करो, भगवान को भोग लगाओ, भागवत सुनो, यह है तरीका प्राप्त होता है। अब दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति वो होगा जो प्राप्त करने के बाद इसको ध्यान ना दे, ऑल्दो एक बार प्राप्त हो गया तो पड़ा रहेगा हृदय में, कभी खत्म नहीं होता है, लेकिन व्यक्ति को करना चाहिए। क्या एक प्रश्न और सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? ठीक है, यह श्लोक क्रमांक 11 है और यह दूसरा प्रश्न है, इसको आप मेरे पीछे बोलिएगा। भूरिणि भूरि कर्माणि
श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोत्र यत् सारम् समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहिणः श्रद्धधानानाम्। ओ थोड़ा सा अलग है क्या इसमें? अलग है इसमें? अलग है, ठीक है इसमें अलग है, पाठ भेद है। ब्रूहि भद्राय भूताना ये नात्मा सुप्रसीदति। श्रीमद् भागवतम के कुछ कुछ संस्करण में पाठ भेद है, अंतर अर्थ का नहीं होता अधिक, कभी कभी पाठ भेद होता है। तो कह रहे हैं भूरिणी बहुत सारे शास्त्र हैं, भूरी कर्माणी उनमें बहुत सारे कर्मों का वर्णन है, ये करो ये करो वो करो। श्रोतव्यानी विभागशः और उनमें बहुत सारे विषय हैं जिनको सुनना चाहिए। वो बोलते हैं कि ये सुनो जैसे, और उनके अलग अलग विभाग हैं जैसे कर्मकांड, ज्ञानकांड, देवता कांड, उपासना कांड, ये कांड वो कांड। तो इस प्रकार से इसका लिंक है, इतना सुनने का कलयुग में समय किसके पास है, समझ रहे हैं आप? ये दोनों श्लोकों का लिंक है कि इतना सुनने का लोगों के पास समय कहां है, ठीक है। अब कह रहे हैं अतः साधोत्र यत् सारम समुद्रित्या मनीषया। आपने अपनी मनीषा, मनीषा का अर्थ होता है महान बुद्धि के द्वारा इन सारे शास्त्रों का जो सार है वह जो निश्चित किया है वह आप हमें, ब्रूही का मतलब बताइए, किसके लिए? भद्राय भूतानाम, जिससे जीवों का कल्याण हो। और वह कल्याण कैसा होना चाहिए? ये नात्मा सुप्रसिद्धति, जिसके द्वारा जीवात्मा प्रसन्न हो जाए। ये वस्तुतः जीवन का लक्ष्य है। हम सब लोग सुखी होना चाहते हैं लेकिन हमको पता नहीं सुख कहां से हो। मैंने कई बार उदाहरण दिया है कि भूखे व्यक्ति को माला पहनाने से वो सुखी नहीं हो सकता है। इस प्रश्न को जरूर याद रखिएगा क्योंकि दूसरे अध्याय में यह प्रश्न और पहला प्रश्न को जोड़ करके उत्तर दिया जाएगा। भले ही पहला और दूसरा प्रश्न दो अलग अलग हैं लेकिन उन दोनों को एक साथ जोड़ करके बताया जाएगा। वस्तुतः ये प्रश्न अलग अलग नहीं है लेकिन उत्तर जब हम देंगे तब हम बताएंगे आपको। लेकिन ये दो प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या है कि बड़े बड़े शास्त्र हैं, उन शास्त्रों का सार वह बताइए जिससे जीवों का कल्याण हो और जिससे वह बड़े प्रसन्न हो जाए, ठीक है। तो उस पर टीका हम थोड़ा देखते हैं। ये बात तो हमने आपको बता दी। उसमें एक पॉइंट बोलते हैं, नच बहु शास्त्र श्रवणे पी तावते व फल सिद्धि रित्याहु। ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारे शास्त्र पढ़ेंगे तो साधन का ज्ञान हो जाएगा, अपितु भ्रमित हो जाएगा व्यक्ति। तपन मिश्र नाम के एक भक्त थे, चेतन महाप्रभु जब बांग्लादेश गए तो वह उनसे मिले और वह खूब सारे शास्त्र पढ़े हुए थे। लेकिन उन्होंने महाप्रभु से पूछा कि मैंने बहुत सारे शास्त्र पढ़े हैं, अब मैं भ्रमित हो गया हूं कि जीवन का उद्देश्य है क्या। तो फिर महाप्रभु ने कहा आप हरे कृष्ण मंत्र जपो, आप जप करते रहेंगे। और अब वाराणसी जाने के लिए बोला था, बाद में कहा मैं आपसे वापस मिलूंगा, आपको महामंत्र करने से जीवन का उद्देश्य समझ में आ जाएगा। ये अपने जीवन में आप अनुभव कीजिएगा कि जब भक्त लोग बार बार बोलते हैं भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो, हम करने तो लगते हैं लेकिन कन्विंस नहीं होते कि भक्ति करना ही हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है, हमें कुछ और भी चाहिए होता है। लेकिन जब हम भक्ति करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं, तो एक बात जो कल मेरे हृदय में बहुत तेजी से आई थी, तो मैंने शेयर किया था, वी आर सिंपली वेस्टिंग आवर टाइम इन दिस मटीरियल वर्ल्ड। हम अपना समय केवल बर्बाद कर रहे हैं इस जगत में। आप कुछ भी जस्टिफाई कीजिए, ये करिए। एक भक्त बोला अभी मैं गेट की तैयारी कर रहा हूं। मैंने कहा मैं भी गेट की तैयारी कर रहा हूँ लेकिन वो गेट है वैकुंठ का गेट। मैं चाह रहा हूँ वैकुंठ का गेट खुल जाए, मैं से पार कर जाऊँ और दोबारा उस वो गेट को वापस आना नहीं पड़े।
हम दोनों एक ही चीज की तैयारी कर रहे हैं, बस थोड़ा सा अंतर है। मैं भी गेट की ही तैयारी कर रहा ना, हम लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं ना, गोलोक का गेट खुल जाए या वैकुंठ का गेट खुल जाए वहीं पहुंच जाए। तो अब ठीक है, कोई कुछ भी करेगा, ऊपर से देखते हैं ना तो लगता है क्या फंसे मैं लोग, गेट पर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, होगा कुछ भी नहीं। आप कहेंगे प्रभु जी इतनी हैवी बातें बोल रहे हो, क्यों, क्या जीवन का लक्ष्य सब नहीं है? हम नहीं बोलेंगे, सूत गोस्वामी जी बोलेंगे, हम तो उनके पीछे पीछे बोलेंगे, खाली रिपीट करेंगे कि जीवन किस लिए। लेकिन अभी नहीं, अभी तो आप लोग आराम से रह सकते हैं, तो दूसरा अध्याय हम पढ़ेंगे तब चर्चा आएगी। पहले मैं बोल दूंगा कि जो कमजोर दिल वाले हैं वो क्लास में नहीं आएंगे, ठीक है ना। लेकिन वस्तुतः बात यह है कि हम कितने भी नलायक हों, हम सब लोग, लेकिन हमको शास्त्र सुनना चाहिए ताकि हमको ये मालूम हो जाए कि भाई चीज सही क्या है, भले मैं गलत रास्ते पे हूं। सुनना है? हमको ये मालूम चल जाना चाहिए कि भाई लक्ष्य क्या है, भले मैं किधर भी जा रहा हूं लेकिन लक्ष्य वो है वो मालूम होना चाहिए, कम से कम सुन लेना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा विनोद में बोल रहा हूं मैं, वैसे आप लोग भक्ति कर ही रहे हैं तो कहीं ना कहीं भगवत नाम लाने की इच्छा तो होगी। हाँ वो एक और बोल रहे हैं कि भूरिणी इति, कह रहे हैं भूरिणी कर्माणी अनिष्ठयानी येषु तानि, कह रहे हैं उनका अन्य अन्य शास्त्र हैं उसमें बड़े बड़े अनुष्ठान लिखे हैं, 12 साल तक गायत्री करो फिर कुछ प्राप्त होगा, ये करो वो करो, तो करने में मर जाएगा व्यक्ति और कुछ पक्का भी नहीं कि श्रेय की प्राप्ति होगी, तो वहां हमें पक्का नहीं है। ध्यान देना चाहिए कि शौनक आदि ऋषि को भी शास्त्र का ज्ञान था, ऐसा नहीं कि अब वो संस्कृत पढ़ना शुरू कर रहे हैं, अभी खूब जानते हैं लेकिन वह सूत गोस्वामी के मुख से प्रमाणिक रूप से सुनना चाहते हैं। एक शब्द शब्द कहते हैं सुप्रसिद्धि का अर्थ है सम्यक उपशाम्यति, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो कह रहे हैं जिससे बुद्धि को शांति प्राप्त हो जाए, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि इस जगत में लोग इस जगत के पदार्थों के पीछे भाग रहे हैं और जितना हम पदार्थ के भोगों के में लगते हैं उतना ही हम देखेंगे हमारे जीवन में अशांति आ जाती है, अपितु अधिक से अधिक अभाव का निर्माण करता है। जो व्यक्ति जितना कमा लेता है, जितना इकट्ठा कर लेता है, वो ये सोचता है कि मेरे को और इकट्ठा करना है ना। आप लोग अनुभव कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे तो करने लग जाएंगे। अभी एक भक्त आए थे तो उनकी पत्नी मायके इसलिए चली गई क्योंकि उन्होंने अपने पिता की संपत्ति को क्लेम नहीं किया। मैंने कहा आप खाना खिला रहे उनको, कपड़े लेते थे, हाँ कोई दिक्कत नहीं, तो उनके हृदय में अभाव हो रहा है, बहुत बड़ा दुख है, मुझे ये नहीं प्राप्त हुआ, मुझे वो प्राप्त नहीं हुआ, यह एक बहुत बड़ा दुख है हमारे लिए। जबकि बहुत सारी वस्तुओं की हमें कोई आवश्यकता नहीं होती लेकिन दूसरों को देख के जलते रहते हैं, अभाव का अनुभव करते रहते हैं। तो ऐसा कुछ बताइए कि हृदय का जो अभाव है जो जीव को हमेशा सताता रहता है वह समाप्त हो जाए, उसका चित्त एकदम प्रसन्न हो जाए। वैसे ऐसे बातें आगे जाके पुष्ट होंगी। परीक्षित महाराज जी पूरे विश्व के राजा थे लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी से कथा सुन रहे हैं तो कह रहे हैं कि मैं केवल जीवन भर दुख भोगा हूं, आज मुझे सुख मिल रहा है क्योंकि मैं भगवान के बारे में आपसे सुन रहा हूं। यस यस, मैं महाराज से सुन रहा था, श्लोक तो मुझे याद नहीं लेकिन बड़ा अच्छा लगा मुझे। पूरे विश्व के राजा थे, वो कह रहे हैं, अपना अनुभव बता रहे हैं कि मैं केवल दुख भोगा हूं आज तक। ऐसे मैंने एक वक्तव्य सुना था एक व्यक्ति का, बहुत फेमस व्यक्ति है, कहता है भगवान से मेरी प्रार्थना है कि सबको धन दे और यश दे ताकि वह समझ जाएं कि यह कोई सॉल्यूशन नहीं है। और कितने सारे धनी लोग आत्महत्या करते, तो यह बात बहुत अच्छी है ना। और जो उसका उत्तर है वो फ्री का है, उसे पैसे नहीं लगते, अभी हम बताएंगे नहीं अभी नहीं बताएंगे पहले हम ये देखेंगे कि 6 प्रश्न याद रहे कि नहीं रहे, उसके बाद प्रश्न का उत्तर बताएंगे। आप अपने जीवन भर सोचो कि मैं अपनी सारी एनर्जी उधर लगा रहा हूं जिससे मैं असंतुष्ट ही होऊंगा, ये भागवत के अनुसार है। तो वो तो बात आगे दूसरे अध्याय में आएगी। तो हमने श्लोक में क्या सीखा, ऐसा शास्त्रों का सार बताइए जिसके द्वारा जीवात्मा की बुद्धि, जीवात्मा बड़ा संतुष्ट हो जाए, कोई अभाव का अनुभव ना करे, ठीक है। तो हम लोग यहां पे रुक जाएंगे, आगे तीसरे प्रश्न इत्यादि को हम आगे चर्चा करेंगे। प्रभुपाद जी एक बात इसमें बोलते हैं कि जो वर्णाश्रम की विधि का वर्णन किया गया है वह कलयुग में प्रभावशाली हो नहीं पाएगी क्योंकि जो उसके नियम बताए गए हैं वह लोग कर नहीं सकते हैं।
तो भगवान की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, उसके द्वारा उत्तर बता दिया मैंने, भगवान की शुद्ध भक्ति जिसमें कोई भौतिक इच्छा ना हो उसी से जीव को संतुष्टि प्राप्त हो सकती है, बट वो हम आगे चर्चा करेंगे। तो अब मैं कंक्लूजन में खाली ये बोलना चाहता हूं, दो प्रश्न हमने क्या सीखे, एक चलिए छह प्रश्न छोड़ दीजिए, देखते हैं दो प्रश्न याद है कि नहीं। पहला प्रश्न क्या है, सर्वश्रेष्ठ श्रेय श्रेय साध्य क्या है और उसकी निश्चित प्राप्ति कराने वाला साधन क्या है जो आसानी से संपादित हो, और दूसरा प्रश्न क्या है, सारे शास्त्रों का सार क्या है जो आत्मा को संतुष्ट कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के धैर्य का, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना आप लोग सुन पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है भागवतम काफी इंटरेस्टिंग है।